ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ इज देखिए बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ इज द मालाबार कोस्ट लाइज टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट। ए लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स आर फाउंड हियर एस्पेशली इन केरला। लैगून्स आर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड बार्स। कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट। तो अब हम इस चैप्टर लाइन्स की हिंदी देखते हैं बेटा। द मालाबार कोस्ट लाइज टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट कहाँ है? साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट के दक्षिण में। ए लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स आर फाउंड हियर। यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ काफ़ी मात्रा में लैगून्स मिलते हैं, स्पेशली इन केरला। केरला में लैगून्स आर शेलो सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड बार्स। लैगून क्या होता है? शेलो उथला सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी की झीलें होती हैं, सेपरेटेड जो अलग करती है फ्रॉम द सी समुद्र को बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड बार्स, जिसमें कि चट्टानी या रेती रेत होती है वो उस एरिया को अलग कर देता है। कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मालाबार कोस्ट। और कोची मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोर्ट है, बंदरगाह है मालाबार कोस्ट की। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट क्वेश्चंस को लिखते बेटा हम। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। द मालाबार कोस्ट लाइज टू द डैश ऑफ द कोंकण कोस्ट। ध्यान से लिखिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैगून। व्हाट इज लैगून, क्या है? आंसर इज लैगून्स आर, लैगून्स आर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स, झील है खारे पानी। लैगून्स क्या है? खारे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 बेटा। देखिए बेटा, पहले हम 9 क्वेश्चंस करेंगे। द मालाबार कोस्ट लाइज टू द डैश ऑफ द कोंकण कोस्ट, साउथ या वेस्ट? आंसर इज साउथ। लैगून्स क्या है? व्हाट इज लैगून क्वेश्चन मार्क। लैगून्स आर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है 11, देखिए बेटा, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मलाबार कोस्ट, पोर्ट ऑफ मलाबार कोस्ट। तो इसके ऑप्शन है कोची, कोची या दिल्ली। तो आंसर इज कोची, आंसर इज कोची। देखिए बेटा, इस पैराग्राफ को मैं दोबारा से रीड करवाती हूँ एक बार आपको। सब बच्चे ध्यान से ब्लैकबोर्ड से तब तक क्वेश्चन सुना रहे साथ के साथ। द मलाबार कोस्ट लाइज टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट। ए लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स आर फाउंड हियर स्पेशली इन केरला। लैगून्स क्या हैं? लैगून्स आर शेलो सॉल्ट वाटर लेक्स, जो कि हमने बेटा आपका क्वेश्चन भी लिखवाया है। सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड बार्स। और कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मलाबार कोस्ट। दिस इज योर आंसर बेटा। आज हम चैप्टर को यहीं तक रीड करते हैं। आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड करना है घर बैठ के। पेज नंबर क्या बनता है? 32। और इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपने करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो स्कूल आकर अपनी बुक अरेंज करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस मैं दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ। 8th क्वेश्चन है हमारा, ऑयल वेल्स आर फाउंड इन, ऑयल वेल्स आर फाउंड इन, ऑयल वेल्स। ऑयल वेल्स आर फाउंड इन गुजरात को। द मलाबार कोस्ट लाइज टू द डैश ऑफ द कोंकण कोस्ट। साउथ या वेस्ट? साउथ। व्हाट इज लैगून? लैगून्स आर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स। शैलो होता है उथला हुआ भाग, सॉल्ट वाटर होता है नमकीन पानी, और लेक्स होती है झील, खारे पानी की झील। डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मलाबार कोस्ट, कोची या दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12th हमारा इसका। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बनता है बेटा इसका, लिखते हैं हम। लैगून्स आर फाउंड एस्पेशली डैश। तो आपके इसका ऑप्शन है केरला, पटना। क्या आएगा? लैगून्स आर फाउंड स्पेशली इन डैश, केरला और पटना। तो आंसर इज केरला। 12 क्वेश्चन है बेटे आपके, 12 क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने यहाँ इसको रीड करना है और लर्न करना है घर बैठ के। ये आपको इरेज कर देते हैं, 8 क्वेश्चन स्पेस दीजिएगा आपको। तो ये 12 क्वेश्चन है बेटा। पेज नंबर आपका है एसएसटी का 32 है। इससे रिलेटेड हमने एक पैराग्राफ रिवाइज किया था, ये 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने इसको लर्न करना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। सब बच्चे ध्यान से ब्लैकबोर्ड से आंसर्स उतार लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। और घर बैठ के आगे का पैराग्राफ भी आपको रिवाइज करना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन से फाइंड आउट करना चाहिए। स्टे होम स्टे सेफ। स्टूडेंट्स,